आज हम लोग आए हैं COVID-19 के वैक्सीन के लिए और यहाँ पे हम लोग लाइन पे वेट कर रहे हैं. बेसिकली हम नॉट अलाउड टू ओपन दिस मास्क एनीवेज. हाँ, तो फिर यहाँ पे वेट करेंगे और 2:15 का मेरा अपॉइंटमेंट है. जिनीवा जो कि स्विट्जरलैंड में एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे मॉडर्ना वैक्सीन और फाइजर वैक्सीन दिया जा रहा है. वैसे मॉडर्ना वैक्सीन 94.1% इफ़ेक्टिव है COVID-19 को प्रिवेंट करने के लिए और फाइजर वैक्सीन 95% इफ़ेक्टिव है COVID-19 को प्रिवेंट करने के लिए. ये दोनों इंजेक्शन इंट्रामस्क्यूलर दिया जा रहा है और फर्स्ट डोज लेने के 28 डेज के बाद सेकेंड डोज दिया जा रहा है. हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था वैक्सीन के लिए और आज हम लोगों को पाले एक्सपो में COVID-19 डोज 1 वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट दिया गया. पाले एक्सपो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है जो कि इंटरनेशनल है एक्चुअली यहाँ पे, और इट्स लाइक 1,06,000 मीटर स्क्वायर एरिया है इसका. तो इट्स लाइक ह्यूज. और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कितने सारे लोग आए हुए हैं. ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं सब कोई और अपने अपने अपॉइंटमेंट टाइम का वेट कर रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसीड्योर है ये बहुत सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया है. दो सिक्योरिटी गार्ड्स असाइंड थे जो अपॉइंटमेंट का टाइम बाहर आके कॉल आउट कर रहे थे और उसके बाद लोग मेन डोर के अंदर जा रहे थे. वैसे अंदर काफ़ी सारे सुविधाएं थे, जैसे कि वॉशरूम्स बहुत सारे थे और एक बार और एक रेस्टोरेंट भी था. आई वॉज रियली अमेज्ड कि COVID-19 वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर ये कौन रखता है. बट येस, पीपल कैन बी हंग्री. तो यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग असाइंड थे यहाँ पे जो कि IDs मांग रहे थे और चेक कर रहे थे कि हमारे अपॉइंटमेंट डेट आज एग्जैक्टली है कि नहीं, और हमें रजिस्टर भी कर रहे थे कि हम लोग डोज 1 वैक्सीन आज ले रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे उन लोगों ने हमें 3 सवाल किए कि पहले हमें COVID-19 हुआ है क्या, और क्या ये हमारा फर्स्ट डोज है, और क्या हमें कोई ड्रग से एलर्जी है कि नहीं. जवाब देने के बाद उन्होंने हमें एक पेपर दिया और हमारे बूथ में भेज दिया. It's very quick. Yeah, it's quick actually. Yeah, and it's nice. I mean, I'm like really scared of all this. Yeah, no. But I'm like, I didn't feel a thing actually. Yeah. Thank you. सेंटर में 200 के करीब उन्होंने क्यूबिकल्स बना के रखे थे और हर एक क्यूबिकल के बाहर एक टाइमर रखा हुआ था. हमें वैक्सीन देने के बाद वो लोग उसे प्रेस कर दे रहे थे और हमें 15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए बोले वो लोग, और वो 15 मिनट्स के बाद खुद से ही वो टाइमर वो सायरन बजने लगा और इसका मतलब हो गया कि हमारा वहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है. और वहाँ से कुछ लोग आके एक बड़ा सा सर्टिफिकेट आके हमें दे दिया और साथ में वो लोग बहुत सारे सैनिटाइजर्स लेके आए थे जो कि पूरा क्यूबिकल को मैंने देखा कि स्प्रे करके वो लोग सैनिटाइज कर रहे थे. हम लोगों ने अपना फर्स्ट डोज ले लिया और उसके बाद घर के लिए हम लोग रवाना हो गए. अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की.
मुझे इंजेक्शन के एरिया में स्वेलिंग हो गया था थोड़ा सा और 2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा पेन था। वेल, डॉक्टर्स ने मुझे ऑलरेडी पहले से इन्फॉर्म कर दिया था कि टायर्डनेस, हेडेक, मसल पेन, चिल्स, फीवर, नौसिया के साथ ये सब हो सकता है और ये सब नॉर्मल साइंस है क्योंकि बॉडी इज़ बिल्डिंग प्रोटेक्शन एंड 48 आवर्स में ये ठीक हो जाता है।